नमस्कार, टीवी भारत देखने आप मैं हूं रमेश सिंह। बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति नहीं है, ऐसे में दो महीनों के लिए मंत्रियों और जिनको कैबिनेट रैंक प्राप्त है उनको और बोर्ड और निगमों के अध्यक्षों के वेतन सस्पेंड कर दिए, दो महीने तक रोक रहेगी, ऐसा वेतन और भत्ते उनको नहीं मिलेंगे मंत्रियों और अध्यक्षों के बोर्ड और कॉर्पोरेशन के, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति नहीं है। अभी वक्तव्य सदन के भीतर मुख्यमंत्री ने अभी दिया है। जिस तरीके से कर्मचारियों ने सचिवालय में प्रदर्शन किया था उसी का ये इम्पैक्ट कहा जा रहा है कि अब मंत्रियों से शुरुआत हुई है, माननीयों को अब वेतन और भत्ते दो महीने के लिए नहीं मिलेंगे। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जहां तक एमएलए का सवाल है, माननीयों का सवाल है, तो उनका कहना है कि वो भी स्वेच्छा से, हालांकि उनके लिए ये घोषणा नहीं हुई है, ऐलान ये मुख्यमंत्री ने किया है कि मंत्रियों को और बोर्ड और निगम के अध्यक्षों को अब दो महीने तक वेतन और भत्ते नहीं मिलेंगे, सस्पेंड किया गया है उनके वेतन और भत्तों को। एक बड़ी एक पहल की है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, इसका ऐलान सदन के भीतर उन्होंने किया है। जिस तरीके से फिजूल खर्ची पर सवाल उठ रहे थे, वेतन भत्तों को लेकर सवाल उठ रहे थे कि डीए नहीं मिल रहा है कर्मचारी को, 3 लाख कर्मचारी है उनको महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है, उनको एरियर नहीं मिल रहा है, लेकिन अब अपने पूरे ठाट बाट है, अब उस पर रोक लगाई है, पहल की है मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और बोर्ड और निगमों के एक बड़ी फौज, ये भी कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में बड़ी फौज है बोर्ड और निगमों के, वो जो जनता के चुने प्रतिनिधि नहीं है उनको भी कैबिनेट रैंक बांट दिए गए हैं, ये मित्रों की सरकार है, विपक्ष का ये लगातार कहना है। तो इन सब आरोपों का एक सही तरीके से जवाब आज मुख्यमंत्री ने दिया है और सदन के भीतर अभी कुछ देर पहले उन्होंने घोषणा की है कि मंत्रियों और अध्यक्षों के वेतन को दो महीने के लिए सस्पेंड किया गया, दो महीने के लिए रोक दिया गया है। इसके जाहिर तौर पर इसका कई समाज के कई वर्गों पर इसका असर भी होगा। उसमें एक पहल माननीयों से शुरुआत की गई है, हम जिक्र कर रहे थे 10 कर्मचारी नेताओं को जिन्होंने आवाज उठाई अपने डीए को लेकर, एरियर को लेकर, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, कल उनको ये कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, 15 दिनों का समय दिया गया, क्यों ना उनके खिलाफ सीसीएस और सीसीए रूल के तहत कार्रवाई की जाए, अभी कार्रवाई होनी उनके ऊपर बाकी है। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने नई पहल की है, मंत्रियों और अध्यक्षों के वेतन को सस्पेंड कर दिया, दो महीने तक उनके ना तो वेतन मिलेंगे ना ही उनके भत्ते मिलेंगे। टीवी भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।